के सपने जब लेंगे उतारियां। वो जी बिल्लो बिचौलन बता रही थी आपका फार्मा का बिजनेस है, सब ठीक चल रहा है जी? हाँ जी, माँ का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है जी। I'll show you. Just have a look. Sure. आ देखो जी। See? Oh baby. मुझे बहुत पारी है जी। रब झूठ ना बुलाए जी, मेरे जस पुत्र का कनाडा में बहुत बड़ा बिजनेस है जी, पूरे $3 million का टर्नओवर है जी। $3 million 17 crore 10 lakh rupees। या हो जी। वैसे तो जी हम बड़े छोटे लोग हैं जी आपके सामने, पर शादी ना हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, और आपकी कोई भी डिमांड होगी ना जी हम जरूर पूरी करेंगे जी। आंटी जी प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कर, मतलब विद गॉड्स ग्रेस वी हैव एवरीथिंग। हाँ जी, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है जी। जिसने अपनी इतनी प्यारी बेटी दे दी हो, उनसे और क्या ही एक्सपेक्ट करना जी। जीता रे पुत्र। तेजो जी, सबने कुछ न कुछ कहा है, आप ही काफी टाइम से चुप हो। ओए तेजो, शर्मा क्यों रही है, अपना ही घर समझ। ओ तेजो, घर दिखाओ जस जी को। क्या ऐसी तो बोलते हैं जब मुंडे और कुड़ी को पल्ले बात करने भेजना होता है। क्या बोलते हैं? जा पुत्र इन्नू घर दिखाओ। तेनू बड़ा पता है। जा पुत्र, जाके बात कर ले। चले जी। अरे फतेह यार, थोड़ा हॉली चलाना। चुप बैठ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा ना हो जैसे पहले तुरे कुटापा हो जाए। आज जस की जाके पहले आरती उतारूंगा और फिर जैस्मिन के माँ पियो से उसका हाथ मांगूंगा। समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं आपको कैसे पूछूं, पर पूछना तो है ही। एना प्लीज ऑनेस्टली जवाब देना जी। पूछिए, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलती। आपकी फैमिली में आपको कोई मैरिज के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा ना? मतलब यू नो हाउ इंडिया इज राइट, आई मीन जनरली यहाँ पे गर्ल्स के पेरेंट्स को लगता है कि उनका ब्याह करो और अपना बोझ उतारो। एंड यू वोंट बिलीव, मैं थोड़े दिन पहले ही अपनी मॉम के साथ एक लड़की को देखने गया था। उसने मुझे बताया कि उसका किसी के साथ सीरियस अफेयर है। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। फिर मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया जी उनको उसी टाइम। मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं किसी के खुशियों के बीच में ना दीवार बनकर खड़ा नहीं हो सकता। ओए फतेह, तुझे नहीं लगता भाभी के मापियों से बात करने से पहले तुझे अपने मापियों से बात करनी चाहिए? ब्याह मेरा होना है। लेकिन हाँ तो अंकल आंटी ने करनी है ना। वो सब बाद में, अभी तो चुप बैठ। आपका अगर किसी के साथ कोई अफेयर है? ना ही मेरा कोई अफेयर है और ना ही मेरे पेरेंट्स का कोई प्रेशर है। एंड बाय द वे थैंक्स, अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। ओए छेती कर कुड़िए, की कर रही है? ओ मैं तो छेती कर ही रही हूँ, आप अरदास करो तब तक। ओए अरदास करने की जरूरत नहीं, कॉफी तो मैं कैंटी बनाती हूँ। ओ मम्मी, अरदास कॉफी के लिए नहीं, अरदास इसलिए करो ताकि तेजो दीदी के दिल की डोर जस चीजों के दिल की डोर से जुड़ जाए। सही कह रही है, चल कर। करो। आप गुड लुकिंग है, एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, आपके पास तो बहुत सारे रिश्ते आए होंगे, फिर आपने मुझे क्यों चुना? मेरी दादी कहती थी ब्याह संजोगों से होता है, ब्याह संजोगों से होता है। क्या हो गया है तुझे, इतनी तैयारी तो तूने कभी अपने नौकरी के इंटरव्यू के लिए नहीं की। माता मैं तैयारी कर रहा हूँ, तेजो से बात करनी है, उसे जवाब देने। और माता
मैं ना वहां पे 100% श्योर होके जाना चाहता हूं। और पता है क्या है कि तेजो के हर सवाल का जवाब मुझे मुंह जवानी याद होना चाहिए। मतलब तेजो मुझसे सवाल पूछे और मैं उसका ऐसा जवाब दूं कि वो सुनके खुश हो जाए। तेजो जी, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि व्याह ना संजोगों से होता है, और मैं भी यही मानता हूं। तो आपको लगता है कि ये भी एक संजोग है? नहीं तेजो जी, मेरा फैसला भी जुड़ा हुआ है इस संजोग में। तेजो जी, मैं पता है क्या सोचता हूं, मेरे हिसाब से शादी दो लोगों के बीच में एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप है। मैं हमेशा से ना यही सोचता था कि जो भी मेरी वाइफ होगी ना वो इंटेलिजेंट हो, सॉफ्ट स्पोकन हो और अपने सारे डिसीजंस खुद लेती हो और ब्यूटीफुल भी हो। जिस दिन मैंने आपको देखा ना, मेरे को उसी दिन ही पता लग गया था जी कि यही होने वाली है मेरी लाइफ पार्टनर। और तेजो जी, और जैसे ही मेरे को पता लगा ना कि आप लेक्चरर हो, I was like बल्ले बल्ले, मतलब this was cherry on the cake। तेजो जी, मेरा तो बस एक ही सपना है, मेरी वाइफ के अपने सपने हों, अपनी मंजिलें हों, और जिन्हें हासिल करने का सफर भी वो खुद ही तय करें, मुझे अपना हम सफर बनाकर। तेजो जी, यू नो व्हाट, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बहू एनल जॉब करे, बट थैंक गॉड माय मदर इज नॉट लाइक दैट। पंजी, आपने तो कुछ खाता ही नहीं जी, कुछ तो? नो थैंक्स, डोंट वरी, ये ले लीजिए, ये हमारे जरूरी रिश्तेदारों की लिस्ट है। हमारा जसपुत्र तो बहुत मॉडर्न ख्यालों का है, पर आप तो जानते हैं ना, रीति रिवाज भी बंदा निभाता ही है। हमारी कोई डिमांड नहीं है, रब का दिता बहुत कुछ है, पर क्या है ना, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती है ना, बुआ चाचे मामे के की दिता की लिता एट ऑल। हाँ जी जी, वो जी ये लिस्ट तो बहुत बड़ी। ओ जी, कोई नहीं जी, तुसी चिंता ना करो, जैसा आप चाहोगे ना जी वैसा ही होगा। हो जी बीजी, हमने इतना कुछ जोड़ के रखा है अपनी कुड़ियों के लिए, आप किसी चीज की चिंता मत करो जी, सब हो जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। जस्ट को इस बात का पता ना चले। कौन सी बात का? ये मैं तो भूल भी गई। अच्छा, ये देखिए हमारा कनाडा का घर। और मेरी तेजो इतने बड़े घर में रहेगी? Of course, मैं जॉब करना चाहती हूँ, एंड आई होप आपको या आपकी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कम ऑन तेजो जी, इसमें प्रॉब्लम क्या होनी है? आप इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर यहाँ तक आई, घर बैठने के लिए थोड़ी ना, आप डेफिनेटली जॉब कर सकती हैं। इनफैक्ट आपको मैं सही बताऊं तो आपको अपनी PhD भी कंप्लीट करनी चाहिए, एंड आई एम श्योर आप लेक्चरर से प्रोफेसर बनना तो जरूर चाहेंगी। एंड यस, यू आर राइट, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ बेबीज? 3, पहला बच्चा शादी के पहले साल में। तो माता दिमाग ठीक है तेरा? तो फिर बेबीज। मतलब जब हम दोनों मेंटली तैयार होंगे तब, शादी के बाद रजामंदी के साथ डिसाइड कर लेंगे आपस में। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे ना, तो शादी के 3 साल के बाद तक बेबीज मैं भी नहीं चाहता। मैं भी, तब तक मैं अपनी PhD पूरी कर लूंगी। जी बिल्कुल। कॉफी? नहीं 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 नहीं। हस्बैंड, थैंक यू जी। ओ चल चलो फटाफट से पी के बताओ कैसी बनी है वो। मैं ना बड़ी फ्यूरियस हो रही हूँ। क्यूरियस? हाँ क्यूरियस, पियो पियो, बताओ बताओ। या इट्स रियली गुड। ओ थैंक यू जी, थैंक यू। और सॉरी। सॉरी क्यों? ओ जी वो
मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब शिस्टर्ब किया ना, इसलिए। और एक और बार फिर से करूंगी। तेजो, तुझे मम्मी बुला रही है, आ जा, चले। मैं आती हूँ। आजा 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 इधर आजा 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 कम बात करना। अरे मुझे थोड़ी बात करने दे। चल ओ वाह 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 तेजो से इतनी बात, उसकी बहन से एक भी बात नहीं। अरे आप ही तो मेरे सपनों की टिकट। से गया आ देख कार। नहीं नहीं बचना आज है तो गया। यार तू बार था अंधे क्यों, पूरे मोहल्ले को सुना के उसका कुटापा करना है। चल साइड है। ओ यार ऐसे किसी के घर के अंदर मेरा ससुराल है, तेल भी चुहा ले। ओ यार तू ओ चुप कर, मैंने आज अंदर जाना है, सबको बताना है मैं जैस्मिन से कितना प्यार करता हूँ, उसके साथ ब्याह करना चाहता हूँ। धरती वेल न देवे मैनू अंबर मारे ताने वे, आशक पल्ले की रह जांदा लुटे इश्क खजाने जे, खास तू ही खामी बाकी खोर कोई ना, दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना, दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना। ओए वापस चल वीर, अगर यहाँ कोई 19 की होगी ना तो पंगा पड़ जाना है। तू क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? भाभी की कौन सा शादी हो गया, अभी तो रिश्ते की बात हुई है ना। तेरा दिमाग खराब है, देख नहीं रहा कैसे हंस हंस के बात कर रहे थे? तो और क्या शुगलियां करेंगे, वही जब लड़का लड़की मिलते हैं ना ऐसे ही हंस हंस के बातें करते हैं। तो चल यार कुछ सोचते हैं, सोचते हैं। तो सोचने का नहीं, कुछ करने का टाइम है। नहीं ना ये क्या करना है पते। अरे यार अरे सोचना है, आत्महत्या थोड़ा करनी है। चल चलते हैं यार यहाँ से, मैंने अंदर जाके सबको बता देना यार। तो मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ यार, प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। ओके ओके इट्स ओके। ओ लो जी आ गई आपकी शुडबी, वुड बी। आहो वुड बी, नाउ यू टॉक आई वॉक, ऑल द बेस्ट। अभी तक तो जैस्मिन ने आपसे कनाडा की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता कर लिया होगा, नहीं? या इट्स वेरी फनी। इधर ही लक्ष्मण रेखा है, यहाँ से यू टर्न मार और वापस कनाडा के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। आप जानती हैं इस रेड टी शर्ट वाले को? ये तुम्हारी लेक्चरर एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है। ये यहाँ क्या कर रहा है? And I can't believe ये यहाँ तक आ गया। मतलब आप इसे पहले से जानती हैं? लफंडर एक नंबर का बदतमीज, कॉलेज के बाहर भी एक बार मुझसे पंगा लिया था इसने। लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो रास्ते में इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मना कर रहे थे मुझे आने के लिए।
मैं जानता हूँ देखिए कि आपका ब्याह ना किसी और दिन होने वाला है, पर मेरी ना आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज वो ब्याह के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि हमारे दिल की डोरियां एक दूसरे से जुड़ी है ना। इसने कुछ कहा मेरे बारे में? उस लड़की के साथ मेरी डोर जुड़ी है, प्यार का मामला है, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं बिना खून खराबे के। Leave it. ऐसे लोग फालतू की बात करते ही रहते हैं। You don't worry. ये घर तक भी पहुंच गया, इसका परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। मेरे पर्सनल मैटर्स के बीच में कोई नहीं आ सकता। ओ जैस्मिन पुत्र, याद आया, मैं कनाडा से ना तेरे लिए ब्रोच लेके आई थी, ये ले। अब मेरे और कनाडा के बीच में कोई नहीं आ सकता। कनाडा। आप जानते हैं इस रेड टी शर्ट वाले को? इतनी हिम्मत की ये मेरे घर तक पहुंच गया। पता लगाना ही पड़ेगा कि ये है कौन और आखिर मुझसे चाहता क्या है। मुझे जैस्मिन चाहिए, मैं अभी जाऊंगा पापा के पास, बोलूंगा लड़की चूज कर लिए, शादी कराओ मेरी, गल खत्म। ओ वीरे, ओ गल खत्म नहीं होएगी, कलेश शुरू हो जाना है। और तेरे को तो पापा के गुस्से का पता ही है, वो भूल के भी ऐसी गलती मत करियो। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपका जो हाल होगा ना वो हमसे नहीं देखा जाएगा। एक बहन खो चुका हूं और एकलौता भाई नहीं खोना चाहता। पागल, कुछ नहीं हुआ, चल। फतेह जी। पापा, देखा गुरप्रीत, मैं ना कहता था मत कर इसे इतना लाड, ओ बिगड़ जाना तेरे पुत्र ने, वही होया। ओ इसको आशिका भूत चढ़ गया, और अगर मैंने भी इसकी आशिका भूत ना उतारा ना तो मेरा नाम भी खुशबीर सिंह विर्क नहीं। और बूझो तू यहाँ क्या कर रहा है? हो गया तेरा? सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा यार छोड़ो छोड़ो, वैसे बात ना ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, तुझे जैस्मिन पे अभी चाहिए ना। हाँ। बस ठीक है फिर, पहले घर वालों को मानने दे, उसके बाद पापी का नाम भी बता देंगे हम। और घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी, एक एक बेस्ट आइडिया है मेरे पास। ओ सुन तो लो। चुप, चुप। अरे बहुत काम करेगा। बस रहने दे। आया बड़ा आइडिया वाला। ठीक है फिर, घर वालों को आप खुद ही मना लेना। वैसे ऐसी सिचुएशनों में ना भाई बहन ही काम आते हैं। और दोस्त भी। ये प्यार इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या हो रहा है ये? वो चाचा जी दिलराज का ना 5 रुपए का सिक्का खो गया था। हम वही ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ पापा, वही सिक्का ढूंढ रहे हैं। दूरबीन से। वो पापा, हम ये देख रहे थे कि तेजो की हाँ आया ना। तेजो पुत्र, देख तेरे साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, जो तेरा दिल कहता है ना तू वही फैसला कर। अगर तेरी ना है तो तू सुबह तक ना ही थी पापा, पर जस से मिलने के बाद। कर ले बात कर ले पूरी तू। जैस औरतों की बड़ी इज्जत करता है पापा, और उनके सपनों की भी। आपने कहा था ना कि रिश्ते संजोग से बनते हैं, अब मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है।
इसलिए मैं जस से कल दोबारा मिल रही हूँ और उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि मेरी हाँ है या ना। जस की मम्मी ने तो पहले से तुझे पसंद कर लिया गुड़िया। मुंडे दी भी तो हाँ ही होनी है। ये हमारी कुड़ी को कोई ना कर ही नहीं सकता। देखना मेरी तेजू ने कल हाँ ही करनी है। कनाडा दे टिकट बुक करा दा। मुझे टेंशन। तो सुनो, कल तेजो डेट पे जा रही है और उसके साथ साथ मैंने भी जाना है। फिर जस्ट चीजू ने बोलना है कि चीजू अभी नहीं बना है वो तेरा। मैंने कहा है कि मैं कल बताऊंगी कि मेरी हाँ है या ना। देख पुत्र, तुझे हमेशा लगता है ना कि तेरी माँ कनाडा के पीछे पागल है। उसको कनाडा के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है पुत्र, तुझे जितना समय लेना है ले, तुझे जितना सोचना है सोच, और सोच समझ के अपना फैसला सुना। कोई दबाव नहीं है तुम पे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.